नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, ऐसे बिंगो विंग्स को आप लोगों को हटाना है और ये जो चर्बी आप लोगों की है, जो कि लटक चुकी है हाथों के ऊपर, उसको भी आप लोगों को दूर करना है। तो इससे आप लोगों के अंडर आर्म्स भी अच्छे दिखेंगे, या हम लोग कहें कि आप लोगों की जो बाइसेप्स है वो भी अच्छी दिखेगी। तो अगर आप लोगों के आर्म्स पिट्स भी जो है, उनकी जो त्वचा है वो लटकने लग गई है, तो कुछ वर्कआउट्स हैं जो आप लोगों को सुबह शाम करने चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि इसमें आप लोगों को वाटर बॉटल भी हेल्प कर सकती है, और वाटर बॉटल की हेल्प से आप लोग जो एक्स्ट्रा चर्बी हैं, जिसे हम लोग फैट बोलते हैं, विसरल फैट, या हम लोग सबकेंटिनियस फैट बोल सकते हैं, जो आप बाहरी चर्बी पर होता है, उसको हम लोग एक्सरसाइज के जरिए निकाल सकते हैं। तो आर्म्स की भी एक्सरसाइज होती है, जिसका इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों को किसी प्रकार की इंजरी हो जाती तो प्लीज़ टेक केयर, आप लोगों को अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जो है वो ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि गलत एक्सरसाइज भी हो सकता है आप लोगों को नुकसान दे। तो प्लीज़ अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लें किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले, चाहे वो आप लोगों का बेंच पुशअप्स हो या आप लोगों का वॉल पुशअप्स हो, किसी भी टाइप की एक्सरसाइज हो। तो इस एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के एक्सरसाइज बताऊंगा, जो कि आप लोगों के आर्म्स से रिलेटेड होंगी, जो आर्म्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और आप लोगों को जो बाहरी फैट है उसे रिड्यूस करने में आप लोगों की मदद करेगी। सभी एक्सरसाइज जो हैं वो 40 सेकंड्स की रहेंगी और सभी एक्सरसाइज के बीच में गैप रहेगा। कैसी एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है, सुबह उठकर अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों का बैली भी रिड्यूस हो सकता है, इससे आप लोगों का वर्कआउट भी कंप्लीट हो सकता है। और आर्म्स के लिए है तो डेफिनेटली आप लोगों के हाथों की जो मसल्स है वो भी आप लोगों की मजबूत बन जाएगी, चाहे वो बेंटनी पुशअप्स आप लोग कर लें। अगर बेंटनी पुशअप्स भी आप लोग हफ्ते में 2-3 बार कर लेते हैं तो भी आप लोगों की जो चर्बी है वो भी ठीक हो जाती है। ट्राइसेप्स को भी ध्यान में रखते हुए आप लोग एक्सरसाइज करें, क्योंकि ट्राइसेप्स के लिए भी आप लोगों का, जैसे कि आप लोगों का होता है कि बेंच डिप्स एक्सरसाइज होती है, वो भी अच्छी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप लोगों को करनी चाहिए। सबसे पहली एक्सरसाइज की हम लोग बात करते हैं, इसमें आप लोगों के पास वाटर बॉटल रहेगी, 40 सेकंड्स के आप लोगों को करना है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, दोनों वाटर बॉटल को हाथ में रखना है, चाहे वो आप लोग जो है 1 लीटर की बोतल ही हाथ में ले लें। उसके बाद में आप लोगों को हाथ फैलाते हुए दूर लेकर जाना है वाटर बॉटल को और पास लेकर आना है जस्ट, तो इससे आप लोगों के जो चेस्ट फैट है वो भी आप लोगों का रिड्यूस होगा, और साथ ही आप लोगों की जो बाइसेप्स पर जो फैट होता है वो भी आप लोगों का रिड्यूस होगा। तो जस्ट सिंपल एक्सरसाइज है, जस्ट आप लोगों को वाटर बॉटल को दूर लेकर जाना है, जस्ट फैलाना है अपने हाथों को, और अपने हाथों को दोबारा से, फैले हुए हाथों को दोबारा से अपने चेस्ट के पास लेकर आना है, ठीक है। सिंपल सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को रेस्ट करना है, थोड़ा आराम करना है। 10 सेकंड का आप लोगों को आराम मिलता है, तो आराम कर लीजिए। नेक्स्ट, दूसरे नंबर की एक्सरसाइज आप लोगों की है वही वाटर बॉटल के साथ है, और इसमें आप लोगों को विंग्स की तरह अपने हाथों को फैलाना है, लेकिन इसमें आप लोगों को पहले वाटर बॉटल को सीधा आगे की ओर लेकर जाना है, फिर चेस्ट की ओर लेकर आना है, फिर आप लोगों को फैलाना है, फिर आप लोगों को फैले हुए हाथों को दोबारा से अपने चेस्ट की ओर लेकर आना है, फिर आप लोगों को स्ट्रेट मूव करनी है वाटर बॉटल को, फिर अपने चेस्ट की ओर लाना है, फिर आप लोगों को फैलाना है। तो जैसा कि आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उससे ज़्यादा आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग कर सकते हैं अपने आर्म्स फैट को रिड्यूस करने के लिए और बिंगो विंग्स को कम करने के लिए। तो 40 सेकंड की एक्सरसाइज रहेगी, 40 सेकंड कंप्लीट होने वाले हैं और कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद में रेस्ट टाइम आ चुका है। रेस्ट कर लीजिए, अपने हाथों को थोड़ा बहुत आराम दे लीजिए, और रेस्ट करने से, जैसे कि मैंने कहा, कि मसल्स की रिकवरी जल्दी हो जाती है। नंबर तीसरी एक्सरसाइज है वही वाटर बॉटल के साथ है, इसमें आप लोगों के बाइसेप्स के लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगी। दोनों हाथों को अपने दोनों एक्सटर्नल ऑब्लिक्स जो होते हैं, या चेस्ट जो होता है, उससे आप लोग सटीक लीजिए, आप लोग बाइसेप्स जो है आप लोगों को टच कर लीजिए। अब वाटर बॉटल को आप लोग जैसे डंबल उठाते हैं, वैसे ही आप लोगों को वाटर बॉटल को भी उठाना है, तो उससे क्या होगा, बाइसेप्स की जो मसल्स है वो मजबूत होगी, वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, और बाइसेप्स की मसल्स अगर मजबूत बनती है तो एक्स्ट्रा फैट भी आप लोगों का रिड्यूस हो जाएगा। और साथ ही आप लोगों को करना कैसे है, जस्ट आप लोगों को वाटर बॉटल नीचे की ओर लेकर से पुलअप करनी है ऊपर की ओर, इतना ही कुछ करना है। 40 सेकंड तक आप लोगों को ये करनी है। 40 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं। 40 सेकंड कंप्लीट होने के बाद, जैसा कि मैंने कहा कि रेस्ट टाइम है, तो रेस्ट कर लीजिए, और इसमें आप लोगों के पास जो है इनफ टाइम होता है तो म्यूज़िक भी आप लोग सुन सकते हैं। नंबर नेक्स्ट एक्सरसाइज है फोर्थ एक्सरसाइज, इसमें आप लोगों को डिप्स लगाने हैं नीचे की ओर, तो इसमें आप लोग बेंच की हेल्प ले सकते हैं, चेयर की हेल्प ले सकते हैं,
तो ये भी आप लोगों को 40 सेकंड्स तक करने हैं, जैसा कि आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोग इसमें टारगेट मसल्स देखेंगे तो आप लोगों की बाइसेप्स के साथ साथ ट्राइसेप्स भी आप लोगों की इसमें मसल्स रहती है, साथ ही इवन आप लोगों के शोल्डर्स भी इसमें मजबूत होते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है आप लोगों के बैली के लिए भी, आप लोगों के बाइसेप्स के लिए भी, आप लोगों के शोल्डर्स मसल्स के लिए भी। तो इस एक्सरसाइज को भी आप लोगों को कितने सेकंड के लिए करना है, 40 सेकंड्स के लिए करना है, और 40 सेकंड्स के कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को मिल जाएगा रेस्ट। तो ये चार एक्सरसाइज तो वैसे ही कंप्लीट हो चुकी हैं, सुबह उठकर रोज़ करना है और इन बिटवीन आप लोगों को रेस्ट भी मिल जाता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आप लोगों के पास जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स से तो आप लोग बखूबी जो है आप लोग जानते हैं कि जंपिंग जैक्स को कैसे करना होता है। ये एक एक्चुअली में वार्म अप एक्सरसाइज है जो कि आप लोगों की आप लोग कहीं भी कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को, और इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप लोगों को एक रिलीफ महसूस होगा कि आप लोगों का पूरी बॉडी का जो पसीना है वो बाहर निकल जाएगा, या हम लोग कहें कि पूरी बॉडी वार्म अप हो जाएगी और इवन आप लोगों का बैली फैट रिड्यूस हो जाएगा, कार्डियो मजबूत हो जाएगा, टोटल वर्कआउट आप लोग कह सकते हैं कि इससे आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो 40 सेकंड्स का ये वर्कआउट है, इसे आप लोग कंप्लीट करें, और इसमें हाथों का भी मूवमेंट है तो आप लोग इसे भी काउंट करें कि वार्म अप जो है आप लोगों के जंपिंग जैक्स में आप लोगों के हाथ भी का जो फैट है वो भी रिड्यूस होता है। ये पांच एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों के पास प्लैंक, अप एंड डाउन प्लैंक। तो अप एंड डाउन प्लैंक को आप लोगों को पता है कि टोटल जो बॉडी का वेट होता है वो हाथों के ऊपर ही होता है, और ख़ासकर बाइसेप्स मसल्स जो होती हैं उस पर होता है। तो आप लोगों के जो कोहनियाँ हैं उनके जो जॉइंट्स हैं वो भी इससे मजबूत होते हैं, और आप लोगों की जो कोर मसल्स है वो भी आप लोगों की इससे इंगेज रहती है। बाइसेप्स पर पूरा फोकस रहता है क्योंकि बाइसेप्स पर ही आप लोगों की पूरी बॉडी का जो वेट होता है वो बाइसेप्स मसल्स पर ही होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के जो बिंगो विंग्स जैसी चर्बी है वो हटने वाली है, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज करने के बाद आप लोगों के बिंगो विंग्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। अब आप लोगों को मिल जाता है रेस्ट, तो आप लोग आराम कर लीजिए, और आराम जितना करेंगे उतने ही हाथों को आराम भी मिलेगा, मसल्स मजबूत होंगी। नेक्स्ट है आप लोगों की बेंच प्रेस। बेंच प्रेस में आप लोगों को क्या करना है, बेंच प्रेस का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को जिम जाने की ज़रूरत है। आप लोगों को जैसे आप लोग पुशअप्स करते हैं वैसे ही आप लोगों को किसी बॉक्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। आप लोग वॉल पुशअप्स भी इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। ऐसी एक्सरसाइज करने से आप लोगों के चेस्ट की जो मसल्स हैं वो भी मजबूत होती हैं, फेफड़े खुलते हैं आप लोगों के, और लंग्स में सुधार आप लोगों को देखने को मिलता है, इम्प्रूवमेंट आप लोगों को अपनी पूरी बॉडी में मिलता है, स्ट्रांगनेस आप लोगों को पूरी बॉडी में मिलता है, और इवन आप लोगों का जो हाथों का जो फैट है वो भी रिड्यूस होने के बहुत सारे चांसेस जो हैं उसमें मिल जाते हैं। तो 40 सेकंड्स तक आप लोगों को करना है, और उसके बाद करना है रेस्ट, अपने हाथों को आराम दे लेना है, अपनी बॉडी को आराम देना है, और ये सेकंड जो है 2-1 और ओवर होने वाले हैं। नेक्स्ट आप लोगों को वर्कआउट करना है, फ्लाई विंग्स की तरह आप लोगों को नेक्स्ट वर्कआउट करना है। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना है, यह आठवीं एक्सरसाइज है आप लोगों की, और इसमें आप लोगों को जस्ट अपने हाथों का मूवमेंट ही आप लोग देख रहे हैं, अपने चेस्ट मसल्स भी आप लोगों को मजबूत हो सकती हैं। तो इसमें फ्रंट में आप लोगों को फैलाना है, जस्ट अपनी कोहनी को पीछे की ओर ले जाना है, दोनों हाथों को आपने मुड़े हुए रहना है। जब आप लोग लेफ्ट एंड राइट हों तो आप लोगों के पूरे हाथ जो है वो पूरे हाथ जो है वो बैक साइड की ओर जाएंगे, लेकिन जब आप लोग फ्रंट की ओर हों तो आप लोगों के दोनों हाथ जो है आधे आधे जो है पीछे की ओर मूव करेंगे, अपनी कोहनियों को ही मूव करना है। तो ये वर्कआउट भी आप लोगों का 40 सेकंड का कंप्लीट होता है, और 40 सेकंड के कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को फिर से करना है रेस्ट, और रेस्टिंग टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो शुरू हो जाइए फिर से। और ये लास्ट एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीट होती है। इसमें आप लोगों को पूरा फुल आर्म सर्किल करना है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। तो 20-20 सेकंड्स का आप लोग ऐसे कर लीजिए कि आर्म सर्किल आप लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये नवी एक्सरसाइज आप लोगों की रहेगी, और इसमें आप लोगों के जो है शोल्डर मसल्स मजबूत हो सकते हैं, आप लोगों के बाइसेप्स मजबूत हो सकते हैं। तो ये एक प्रकार का स्ट्रेच है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फेसबुक अकाउंट पर, अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे, जहां आप लोग शेयर करना चाहें, किसी दूसरे की मदद करना चाहें तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकता है, और लाइक तो आप लोगों का बनता ही है। धन्यवाद।